मम्मी साथ जा रही है? नहीं, आप। बेटी का फैंसी ड्रेस या क्रूशियल क्रिकेट मैच, दोनों क्यों नहीं। अब लाइव टीवी को 200 घंटे रिकॉर्ड करें, फिर जब चाहें देखें, सिर्फ रिलायंस हाई डेफिनेशन डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर पे। हर तरफ से ठुकराए गए रोगी अब निराश ना हो, यूनानी चिकित्सा के माहिर डॉक्टर असलम जावेद अब करेंगे हर असाधारण रोगों का सफल इलाज। कई लोग एचआईवी एड्स, डायबिटीज, पाइल्स, सोरियसिस, हेपेटाइटिस बी एंड सी, स्किन प्रॉब्लम्स, लीवर प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, हेयर प्रॉब्लम्स, ज्वाइंट पेन्स और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसी बीमारियों से राहत पा रहे हैं। दूर दराज के रोगी भी परेशान न हो, डॉक्टर असलम जावेद करते हैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट। मिलिए डॉक्टर असलम जावेद से हेल्थ मंत्रा में। देखिए हेल्थ मंत्रा हर रविवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज पर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रेक्स रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, हेल्थ मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिल्पा। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी हेल्थ रिलेटेड समस्याओं का समाधान करेंगे और यूनानी चिकित्सा पद्धति के जरिए हम जटिल से जटिल रोगों की वजह और उनके इलाज के बारे में चर्चा करेंगे। आपकी तमाम समस्याओं को सुलझाने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर असलम जावेद। डॉक्टर जावेद दुनिया के जाने माने यूनानी चिकित्सक हैं। डॉक्टर जावेद आपका बहुत बहुत स्वागत। अगर आप डॉक्टर असलम जावेद से बात करना चाहते हैं तो मिलाइए 011-6623-1000 और उनसे किसी तरह का सलाह मशवरा लेना चाहते हैं तो आप उनसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर है 011-320-8642। तो डॉक्टर साहब आज हम इस खास कार्यक्रम में दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे कि जनरल वीकनेस क्या होती है। अमूमन देखा जाता है कि इंसान का खान पान तो ठीक रहता है लेकिन फिर भी किसी न किसी समस्या से वो परेशान होता है। मसलन कभी सिर दर्द, चक्कर आना या बहुत लथार्जिक लगता है। आप जिस जगह पे एक बार बैठ जाए वहाँ से उठने का मन नहीं करता, काम में मन नहीं लगता, सारा टाइम नींद आती रहती है। तो शारीरिक दुर्बलता से क्या इसको जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, शारीरिक दुर्बलता या जनरल वीकनेस जिसको कहा जाता है वो बजाते खुद तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सी बीमारियों की वजह से जनरल वीकनेस हमारे शरीर में पैदा होती है। जैसे कि बहुत से रोगों के बाद जनरल वीकनेस पैदा हो सकती है। अगर हमारे खाने पीने की डाइट जो है हमारी वो बैलेंस नहीं है, हम उसमें सारे तत्व जिनकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है वो नहीं ले रहे हैं, या बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जैसे टाइफॉइड है, जैसे HIV है, जैसे हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम्स हैं, या अगर हम बहुत लंबी बीमारी जैसे अमीबेसिस है, इन सब बीमारियों के बाद जब हम ठीक होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। देखिए, कमज़ोरी जो लफ्ज़ है या वीकनेस जिसको कहते हैं या फैटीग जिसको कहते हैं, उसकी वजह से भी कमज़ोरी महसूस होती है। मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हों, हमें थकन हो रही हो किसी वजह से, और हम जो अपनी डाइट है वो प्रॉपर नहीं ले पा रहे हों, तो उस सब की वजह से भी हमारे शरीर में जो है वीकनेस रहती है, समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। अब वीकनेस को देखने के लिए कभी कभी एनीमिया की वजह से भी वीकनेस हो जाती है। अगर हमारे शरीर में जो है ब्लड की कमी होती है तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए जो है पहले किसी भी चिकित्सक से मशवरा करना चाहिए, कंसल्टेशन कर लेना चाहिए उससे, और फिर अगर ज़रूरी हो तो कुछ जो है लेबोरेटरी टेस्ट या पैथोलॉजिकल टेस्ट कराने चाहिए। उसके बाद में फिर हमें ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए। आजकल आमतौर से ये देखा जा रहा है कि जनरल वीकनेस लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो किसी भी कारण से हो सकती है, चाहे वो जो है प्रॉपर डाइट ना ले रहे हों या जो कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है वो ना खा रहे हों, मतलब प्रॉपरली वो अपना बैलेंस डाइट ना ले रहे हों। मान लो कि मान लीजिए विटामिन्स की कमी है किसी इंसान की डाइट में, या मिनरल्स की कमी हो रही है, या किसी को प्रोटीन्स की कमी हो रही है, तो उसकी वजह से जो है शरीर में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और बेहतर यह है कि अगर हम इन सब चीज़ों के लिए आप यूनानी चिकित्सा पद्धति की दवाएं इस्तेमाल करें तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं और वो नेचर से रिलेटेड होती हैं और उनके कोई नुकसान नहीं होते हैं। यूनानी चिकित्सा पद्धति के लिए